दोस्तों, बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर देवानंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो हिंदी सिनेमा के एक ऐसे हीरो हैं जिन पर लड़कियां जान छिड़कती थीं। काला कोट तक पहनना उनके लिए बैन कर दिया गया था ताकि उनकी खूबसूरती पर फिदा होकर कोई लड़की आत्महत्या ना कर ले। उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया है। अभिनेता देवानंद हिंदी सिनेमा के एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने न सिर्फ एक्टिंग के दम पर बल्कि अपने डायरेक्शन से भी लाखों लोगों का दिल जीता है। एक बार इन्हीं बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार का दरवाजा एक असली डाकू ने खटखटाया था। इस हैरान कर देने वाली घटना को सुनकर आप भी जरूर चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में और भी डिटेल में जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दरअसल ये बात है साल 1957 की, जब देवानंद अपनी फिल्म 9-2-11 की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में उनके साथ कल्पना कार्तिक ने लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई थी, जो आगे चलकर देवानंद की पत्नी बनी। फिल्म का डायरेक्शन देवानंद के भाई विजय आनंद कर रहे थे और देव साहब खुद भी फिल्म के प्रोड्यूसर थे। फिल्म 9-2-11 की शूटिंग दिल्ली बॉम्बे हाईवे पर चल रही थी। एक बार फिल्म की पूरी यूनिट मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में शूटिंग कर रही थी, तो रात को उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। ये वो दौर था जब डाकुओं का बहुत शोर था। पूरी टीम एक गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। तभी एक रात देवानंद के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटा दिया। देवानंद ने अंदर से पूछा, कौन है? तो आवाज आई, हम है बगर सिंह। ये सुनते ही देव साहब के होश उड़ गए और उन्होंने किसी तरह हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा कि सामने बड़ी बड़ी मूंछों वाला बंदूक लिए एक आदमी खड़ा है। इससे पहले देवानंद कुछ कह पाते, बगर सिंह ने देवानंद की ही एक तस्वीर उन्हें दिखाते हुए बोले कि आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर दो। ये सुनकर देवानंद की जान में जान आई और उन्होंने अपनी तस्वीर पर ऑटोग्राफ करके बगर सिंह को दे दिया। इतना ही नहीं, जाते जाते बागी बगर सिंह ने देवानंद से कहा, देव साहब, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। देवानंद ने बाजी, हेरा फेरी, हम दोनों, काला पानी, तेरे घर के सामने, टैक्सी ड्राइवर, पेइंग गेस्ट, CID, फंटूश, गाइड, जॉनी मेरा नाम, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने, हीरा पन्ना, छुपे रुस्तम, तीन देवियां और आनंद जैसी कई मशहूर फिल्मों में अपने अभिनय से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम इंटरेस्टिंग खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।